शेरपा ने एक सभा में बोला था कि जो त्रिमूल मौन सरबल जितना भी उनका गुट है वो सभी असामाजिक तत्व में जुड़ित है। अभी वो लोग फिर इधर आ रहे हैं तो इसमें आप लोग का कहना क्या है? इसमें कोई कमेंट्स नहीं है हम लोग का, क्योंकि हम लोग कहीं जाने का अभी तक सोचा नहीं है। जब हमारा लीडर जो बोलेंगे उनका नेतृत्व में चलने वाला आदमी है हम लोग, इसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है। आया हुआ है और हम लोग का जो समर्थक है सभी को हम लोग मैसेज दे चुका है और उन लोग को सबका समिति लेके आज हम लोग का पेरेंट्स बॉडी में 21 लीडर है और हम लोग का यूथ का 250 यूथ का लड़का लोग है और हमारा महिला समिति का 55 उन लोग का ग्रुप है और ओवरऑल हम लोग का जितना हम लोग का समर्थक है इन लोग सभी मिला के हम लोग का 436 मतलब 436 समर्थक ने हम लोग ने आज से ये टीएमसी दल छोड़ दिया। जयगांव में आपका बीजेपी का झंडा तो नहीं है, ऑफिस भी नहीं है, आप कहाँ बैठेंगे, आपका कार्यालय कहाँ होगा? आपको किसने बोला हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं? तो बीजेपी में बात कर रहे हैं, कल से बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। आज टीएमसी से पद अपना दल त्याग कर रहे हैं, तो कहाँ जाना है? बीजेपी में जाना है, सीपीएम में जाना है, कांग्रेस में जाना है। हमारा जो अनुभव नेता है, हमारा जो असल में नेता है, जिसके नेतृत्व में हम लोग चलते आ रहे हैं, वो जो सोचेंगे उसी दल में हम लोग योगदान देंगे। इसका मतलब अभी आप लोग का कोई सोच नहीं है राजनीतिक फेरबदल में? वो सोचेंगे, सोचने का हमारा नेता का, हमारा नेता का है। सभी को स्वागत करते हुए आज जो हम लोग बैठक किए हैं, इसमें पहले जो कमिटी बना था उसमें हमारा वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला था। वर्तमान जो है कमिटी जो नया बना उसमें हमारा कोई भी पोस्ट नहीं है, पहले पुराना ही पोस्ट है। नया में हमारा कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ तक कि मेंबर में भी नहीं है। तो आज जो है टीएमसी के हम कार्यकर्ता हैं, तो आज मोहन शर्मा को देख के हम लोगों ने टीएमसी ज्वाइन किया था। तो आज में जब मोहन शर्मा ही नहीं है टीएमसी में, तो हम लोग जो है हम लोग को लगा कि जब हम जिस नेता को मानते हैं और जिनको नेतृत्व में हमने ज्वाइन किया था, तो आज वही नहीं है, तो हमारा विचार से हम सोचे कि हम भी जो है उनके साथ, वो जहाँ जाएंगे जहाँ रहेंगे उनके साथ ही रहेंगे, इसलिए हम भी टीएमसी से रिजाइनेशन कर रहे हैं और विशेष हमारा कुछ बोलना नहीं है। नहीं, अभी आपका टीएमसी का जो मुख्यमंत्री घायल है, ऐसा अवस्था में आप क्यों छोड़ रहे हैं उनको? तो बचाना चाहिए, उपचार करना चाहिए था। अब वो घायल है, हम लोग को इतना ऊपर देखने का हम लोग का ये नहीं है। हम लोग का इस लोकल क्षेत्र में हम लोग जो भी राजनीति करता है, हम लोग को नेता श्रीमान मोहन शर्मा जी है, उनको देखते हुए हम लोग इस क्षेत्र में राजनीति करता है और उनका साथ देते हैं, उनका 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 हित के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अमरनाथ, 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ था और 1991 में आपका जो हमारा उस समय जो सोनिया गांधी जी ने जो सोचा था, ये सिंपैथी वोट लेंगे, सिंपैथी वोट, सहानुभूति वोट लेंगे का जो सोच कर अभी जो आप बता रहे हैं, आप देखे हैं जो वहाँ उनको एक्चुअल में चोट लगा है या नहीं लगा है? क्योंकि एक दफे प्लास्टर खुलने के बाद भी दोबारा प्लास्टर लगा के व्हील चेयर में चढ़ के प्रचार कर रहे हैं ताकि उनका उनको सहानुभूति वोट मिले, उनका कोशिश हो प्राइस कर। आपके साथ हैं, साथ है, साथ है। मोहन भैया आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, साथ है, साथ है। मोहन भैया आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, साथ है, साथ है। जयगांव जीपीटू का युवा शक्ति आपके साथ है, साथ है, साथ है। महिला आपके साथ है, साथ है, साथ है। बुजुर्ग आपके साथ है, साथ है, साथ है। मोहन भैया आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, साथ है, साथ है। जयगांव
मोहन भैया जिंदाबाद, 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 मोहन शर्मा जिंदाबाद, 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 मोहन शर्मा जिंदाबाद, 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 बबलू दास जिंदाबाद, 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 बबलू दास जिंदाबाद, 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 मोहन भैया जिंदाबाद, 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 धन्यवाद।